बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम शहला जावेद है और आज हम वाहिद और जमा के बारे में सीखेंगे। सबक शुरू करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम अपने घर में मुकीम हैं, इसलिए आप अपने हाथ 20 सेकंड तक साफ पानी और साबुन से धोएं और मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करें। प्यारे बच्चों, आज के सबक का उन्वान है वाहिद जमा। जब आप ये दिलचस्प वीडियो देखेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि वाहिद और जमा के मतालिब समझ सकें, वाहिद के जमा पर बोल और समझकर खुश खत लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले वाहिद सीखेंगे कि वाहिद क्या है। एक चीज़ वाहिद कहलाती है, जैसे एक अंडा, एक चूजा और एक बाजा। शाबाश, एक अंडा, एक चूजा, एक बाजा, शाबाश। इसी तरह हम अब सीखेंगे कि जमा क्या है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, जैसे अंडे। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितने अंडे हैं? जी हाँ, ये 5 अंडे हैं। शाबाश, आप तो जानते हैं। और ये कितने प्यारे चूजे हैं, ये 2 चूजे हैं। शाबाश। और ये 3 बाजे हैं, ये 3 बाजे हैं। प्यारे बच्चों, वाहिद और जमा की तारीफ सीखने के बाद आपके सामने वर्कशीट नंबर 2 है। इसका उन्वान वाहिद जमा है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपना सेक्शन लिखेंगे और तारीख लिखेंगे। इसके बाद आप इन तस्वीर में रंग भरेंगे। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 3 है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपना सेक्शन लिखेंगे और तारीख लिखेंगे। इस वर्कशीट में आप वाहिद के जमा लिखेंगे, जैसे चूजा, चूजे, बाजा, बिल्कुल बाजे, पौधा, पौधे, इसी तरह तारा, तारे। शाबाश। प्यारे बच्चों, ये आपकी वाहिद और जमा से मुतालिक वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।